गुजरात में इन दिनों 22 साल के एक लड़के की हर तरफ चर्चा हो रही है। कोई इसे पटेलों का नया सरदार कह रहा है, कोई भविष्य का नेता। हार्दिक पटेल नाम का यह लड़का पटेल समुदाय को ओबीसी कोटे में आरक्षण दिलाने के लिए आंदोलन कर रहा है। देखिए कैसे 22 साल के इस लड़के ने 4.5 लाख लोगों को सड़क पर उतार दिया है। जमीन पर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं बची है। जहां तक नजर जाएगी वहां भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। डायमंड सिटी सूरत में जन समंदर कैसे उमड़ा, किसके बुलाने पर 4.5 लाख लोग सड़क पर आए। हर सवाल का जवाब हार्दिक पटेल। 22 साल का हार्दिक पटेल जिसने गुजरात सरकार की नाक में दम कर रखा है। इन दिनों पूरे गुजरात में सिर्फ इसी लड़के की चर्चा हो रही है। रिवॉल्वर और राइफल रखने के शौकीन हार्दिक की एक एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यूट्यूब पर अपलोड हो रहे हार्दिक के भाषण को रोजाना हजारों लोग सुन रहे हैं। असल में हार्दिक पटेल गुजरात में पाटीदार पटेल समुदाय का नया नेता बनकर उभरे हैं। हार्दिक पाटीदार अनामत समिति नाम के एक संगठन के सदस्य हैं। इस संगठन पटेलों के लिए ओबीसी कोटे में आरक्षण की मांग कर रहा है। हार्दिक पटेल की अगुवाई में कल सूरत में एक रैली निकाली गई। इस रैली में 4.5 लाख लोग आए, सड़कें जाम हो गई, बड़ी तादाद में महिलाएं और बच्चे भी सड़क पर उतरे। 27% जो ओबीसी है उसमें हमारी मांग हो, जो गुजरात गवर्नमेंट की 27% ओबीसी है अदर बैकवर्ड कास्ट में, और उसमें हमें शामिल किया जाए, इसकी ये लड़ाई है। पिछली 6 जुलाई से शुरू हुई लड़ाई है। आज पे 42 दिन हुए और उसमें से अभी तक पूरे गुजरात से 50 लाख लोग इसमें जुड़े हुए हैं। सूरत की रैली के जरिए हार्दिक पटेल ने गुजरात सरकार को खुली चुनौती दी है। हार्दिक ने कहा है कि अगर पटेलों को ओबीसी कोटे में आरक्षण नहीं मिला तो उनका संगठन सरकार को अपनी ताकत दिखा देगा। हार्दिक ने 25 अगस्त को अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर रैली बुलाई है। हार्दिक ने चेतावनी दी है कि अगर अनुमति नहीं मिली तो भी रैली होकर रहेगी। 50 लाख लोगों के अहमदाबाद पहुंचने का दावा किया गया है। तल्ख तेवरों की वजह से हार्दिक की लोकप्रियता पूरे गुजरात में तेजी से बढ़ रही है और इसका असर गुजरात सरकार पर भी दिख रहा है। दबाव में आई सरकार ने एक कमेटी बनाने का फैसला किया है। अनामत की मांगड़ी को लेके जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलनकारियों को साथ बातचीत करने के लिए, उसके संगठन के साथ बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री माननीय आनंदीबेन पटेल ने 7 मंत्रीश्रियों की एक कमेटी बनाई है।